Hey guys, this is Rohit Kathiri and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। बिल्कुल फ्री है, उसका फायदा ही होगा। जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा तो आपको अपने पता चल जाएगा। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जिम में कुछ लोग होते हैं जो 80 से 100 किलो की बेंच प्रेस लगाते हैं, जो 100 किलो से 150 किलो तक स्क्वाट्स लगाते हैं, जो 150 किलो से 200 किलो तक डेडलिफ्ट लगाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है उन लोगों की कोर पावर और उनकी स्ट्रेंथ। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। मैं भी 100 से 150 किलो तक स्क्वाट्स लगा सकता हूं। मैं भी 150 किलो से 200 किलो तक, 200 किलो तो ज्यादा हो गया, 150 से 170 किलो तक डेडलिफ्ट लगा सकता हूं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है मेरी कोर पावर, मेरी स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये जो कोर पावर है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये लोगों को गॉड गिफ्टेड मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी कोर पावर, अपनी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जिससे कि आप जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ये आप आसानी से और ज्यादा वेट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेट लगा सको। सिंपल वर्ड में बोलूं तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप और लोगों से कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो एक्सरसाइज जो आपको स्ट्रॉन्गर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। आज मैं आपको बताऊंगा दो एक्सरसाइज जो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगी, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज एक महीना लगातार परफॉर्म करोगे तो आप पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा वेट लिफ्ट करने लग जाओगे। तो पहली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, दूसरी एक्सरसाइज है फार्मर वॉक। तो आज ये दोनों एक्सरसाइज मैं हेक्साबार से कर रहा हूं। तो ये हेक्साबार इस तरह का होता है, आप नॉर्मल रॉड से भी कर सकते हो, बट रॉड से दिक्कत क्या आती है कि जो नए बच्चे होते हैं, जो नए जिम में आते हैं, उनसे डेडलिफ्ट होती नहीं है। और जो फार्मर वॉक है वो आप डंबल से भी कर सकते हो। अगर आपके जिम में ये हेक्साबार अवेलेबल है तो आप इससे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, हेक्साबार के बीच में आ जाना है, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्ट्रॉन्ग करके, ताकि एक बार मुड़े ना, स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूं, एंड अभी इसमें 100 केजी है, 110। आपको करना क्या है, तो ये है डेडलिफ्ट जो मैंने हेक्साबार से परफॉर्म की। अगर आपके जिम में हेक्साबार नहीं है तो आप सीधी रोड से भी परफॉर्म कर सकते हो, बट उसकी दिक्कत क्या आती है, जो नए लोग होते हैं जिम में, जो बिगिनर्स होते हैं, उनसे डेडलिफ्ट बिल्कुल भी सही से परफॉर्म नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की जो है फार्मर वॉक। फार्मर वॉक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है इस पूरी दुनिया की, जिसको भी अपनी पावर इंक्रीज करनी है, अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है। मैं बताऊंगा आपको कि आपको फार्मर वॉक कैसे लगानी है। वेट उठाना है, चल हेक्साबार का फायदा ये है कि मेरे जिम में मैक्सिमम डंबल है 40 किलो के, तो मैक्सिमम मैं 80 किलो वेट उठा के चल सकता हूं अगर मैं डंबल की बात करूं, बट हेक्साबार में मैं 150 किलो तक, 200 किलो तक वेट उठाकर फार्मर वॉक कर सकता हूं। तो ये दो एक्सरसाइज है जो आप एक महीना लगातार परफॉर्म करें और आपकी स्ट्रेंथ, आपका कोर पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डेडलिफ्ट और फार्मर वॉक, ये है वो दो एक्सरसाइज जो आपकी स्ट्रेंथ को यहां से यहां ले जाएंगी। इन एक्सरसाइज को हफ्ते में 3 बार परफॉर्म करें और एक महीने के बाद आपकी स्ट्रेंथ आपको अपने आप ही दिख जाएगा
कि आपकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है. तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले. लाल कलर का बटन है, साठ बन जाओ और इसे तोड़ दो. सब्सक्राइब होना चाहिए. और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें. सेम अकाउंट है, रोहित त्रि फिटनेस के नाम से. जाए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. अगर आप क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. मिलते हैं कल या परसों. टिल देन नॉट पीस गेट्स. और मेरे हेटर्स के लिए